हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू. मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाओस देश के बारे में. द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉम्ब इसी देश में गिराए गए हैं. जी हां, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, उन देशों में भी उतने बॉम्ब नहीं गिराए गए जितने लाओस में गिराए गए थे. इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. इस कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हिंदू रूट्स क्या हैं, बुद्धिस्ट रूट्स क्या हैं, चाइना से क्या रिलेशन है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, और सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. मगर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ ही मिनट में इस वीडियो में मैं आपको दूंगा. मगर मैं चाहता हूं आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में इसको अटैम्प्ट जरूर करें. क्या लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करो और लिखना वेदर यू गॉट इट राइट और रॉन्ग. और सारे न्यू व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, UPSC, क्लैट, DSSB, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आप ले सकते हैं. यहाँ पे SSC बैंक के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं. RBI बैंक IT ऑफिसर, SSC CGL, AAO और UPSC ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं. डिफेंस एग्जाम्स के अवेलेबल हैं और स्टेट PCS के भी और कोर्सेज धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे. अभी गुजरात PCS का अवेलेबल है. सो वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं studyiq.com पे. यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं इन कोर्सेज को. डेमो वीडियोज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर और इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले एनालाइज करते हैं लाओस के झंडे को. तो ये है लाओस का झंडा. आप देखोगे यहाँ पे रेड है और यहाँ पर ब्लू भी है, फिर रेड है, फिर वाइट है. जो रेड पार्ट है यहाँ पे, ये वो खून को रिप्रेजेंट करता है जो लाओस के लोगों ने बहाया आज़ादी के लिए. किससे आज़ादी के लिए? फ्रेंच लोगों से आज़ादी के लिए. ठीक है, फ्रेंच एक कॉलोनी कह सकते हो या प्रोटेक्टोरेट था लाओस बहुत ही लंबे समय तक. तो उनसे आज़ादी में जो खून बहा और जो उसके बाद सिविल वॉर हुई उसमें जो खून बहा उसको रिप्रेजेंट करता है ये लाल रंग. फिर जो ये नीला रंग है ये मीकोंग नदी को रिप्रेजेंट करता है. मीकोंग नदी बहुत ही फेमस नदी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में. आपको पता होगा चाइना से उसका ओरिजिन होता है और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको वाटर प्रोवाइड करती है मीकोंग नदी. तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने अपने झंडे में वो नदी को दिखाया है. उसके अलावा जो यहाँ पे वाइट कलर है ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है. एक तो जो यूनिटी है लाओस के लोगों में, क्योंकि लाओस में बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं तो उनके लिए यूनिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और जो ये एक और एक इसका सिम्बोलिज्म ये भी है कि जो चांद चमकता है मीकोंग नदी में तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए. तो काफ़ी अच्छा फ्लैग है इन लोगों का. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है हमारा प्यारा भारत. यहाँ से अगर हम ईस्टर्न साइड को जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाती हैं. ये जरा समझ लो, ये एशिया है. एशिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब साउथ एशिया में आता है. ओके, अगर हम ईस्ट एशिया कहते हैं तो यहाँ पे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब कंट्रीज़ आ गई. अगर हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पे, इन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं. इसलिए जो आसियान ग्रुप है 10 कंट्रीज़ का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे ये कंट्रीज़ आपको मिलेंगी. म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है. और सिमिलरली जो लाओस कंट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है. अब लाओस की जो प्रोनंसिएशन है, कई जगह उसको लाओ कहते हैं, कई जगह लाओस कहते हैं, मगर सिंस इंटरनेशनली इसको लाओस ज़्यादा कहा जाता है तो मैं यहाँ पे लाओस ही बोलूँगा. तो आप देख सकते हो कि लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. ओके, ये यहाँ पे कैम्बोडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है. फिर एक बहुत ही बड़ी इसकी बॉर्डर है वियतनाम के साथ. फिर यहाँ पे थाईलैंड के साथ इसकी बॉर्डर है. फिर यहाँ पे छोटी सी बॉर्डर है म्यांमार के साथ. फिर चाइना के साथ भी एक छोटी सी इनकी बॉर्डर है. तो आप देख सकते हो इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया. इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये काफ़ी छोटा कंट्री भी है. सिर्फ 236,800 स्क्वायर किलोमीटर्स तक इसका एरिया है. और जो साउथ ईस्ट एशिया का पेनिनसुला है उसका सेंटर है ये. ठीक है, अब सेंटर का जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करता है ये. और 5 कंट्रीज़ के साथ ये अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम. अब इस कंट्री का जो ऑफिशियल नाम है उसमें लाओ कहाँ से आता है? लाओ आता है लाओ पीपल से. ये माना जाता है कि आज से 2000 साल पहले जब इस एरिया को पॉपुलेट करना शुरू किया था, जब यहाँ पे पहले पहले इन्हेबिटेंट्स आए थे वो लाओ लोग थे. और ये जो ताई लैंग्वेज ग्रुप है उससे ये बिलोंग करते थे. और ये सदर्न चाइना से आए थे, जो साउथ का पार्ट है चाइना से, वहाँ से कई साल पहले कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए थे. उनको ये जगह अच्छी लगी,
वो यहाँ पे बस गए, और ये जो लाओ लोग हैं आज भी एक एथनिक मेजॉरिटी है वहाँ पर, करीब 50% लोग आपको लाओस में लाओ एथनिसिटी के मिलेंगे। उसके अलावा और भी छोटी एथनिसिटी हैं, जैसे थाईलैंड से कुछ लोग आए बाद में, फिर फिलीपींस से आए और सिंगापुर, वेरियस और जगहों से लोगों ने आना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो आज के टाइम में एथनिकली बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है। हालांकि लोग आपको शक्ल सूरत से इतने डिफरेंटली दिखेंगे यहाँ पे, मगर उनकी फैमिली के कस्टम्स, फैमिली का कल्चर, फैमिली की ट्रेडिशन, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है अलग एथनिक ग्रुप्स में। लाओस में जो डोमिनेंट रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, मगर बुद्धिज़्म का भी एक काफ़ी डिफरेंट वर्जन यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। क्या है कि सिंस लाओस एक बहुत ही माउंटेनियस कंट्री है, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो ज़्यादातर माउंटेनियस कंट्रीज़ में माउंटेन्स को काफ़ी बार लोग गॉड मान लेते हैं, उनको देवता मान लेते हैं, तो उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। और लाओस में भी यही मिलेगा आपको, बहुत सारे वहाँ पे गॉड्स हैं, माउंटेन गॉड्स, और लोग उनकी पूजा करते हैं, बहुत वहाँ पे बिलीव्स हैं। तो बुद्धिज़्म काफ़ी हद तक उस रिलीजन में ढल गया है वहाँ पे, और आपको दिखेगा वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग काफ़ी बार पहाड़ों की पूजा कर रहे होंगे, और जो वहाँ पे लोकल जो एंशियंट रिलीजन्स थे उनके साथ वो काफ़ी हद तक घुल मिल गया है। अगर हम ये देखें कि बुद्धिज़्म यहाँ पे आया कैसे था, तो इसका श्रेय जाता है इन जनाब को, फा नुगुम को। फा नुगुम फाउंडर थे और पहले किंग थे लाओ किंगडम के, जो पहली बार हमने दुनिया में देखा एक लाओ लोगों का एक यूनिफाइड किंगडम, वो इनके अंडर आया था। और ये काफ़ी बिलीफ रखते थे बुद्धिज़्म में, और उस ज़माने में काफ़ी इन्होंने काम किया बुद्धिज़्म को फैलाने में, और काफ़ी फेमस राजा है वहाँ पे, आपको लाओस में काफ़ी जगह इनकी मूर्ति भी दिखेगी। अब इस कंट्री का जो नाम है लाओस, ये फ्रेंच लोगों ने रखा था, फ्रेंच ऑक्यूपेशन थी यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक, तो यहाँ के लोगों ने ये समझा कि ठीक है यहाँ पर लाओ एथनिसिटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो उसका एक प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, और लाओ का इन्होंने बना दिया लाओस। और काफ़ी बार ये देखा गया कि लाओस में ही काफ़ी सारी जो और एथनिसिटी के लोग हैं वो इस नाम को पसंद नहीं करते, वो इसको कुछ और कहते हैं, वहाँ पे आपको जो लोकल लोग हैं वहाँ पे इसको अपने देश को मुनांग लाओ कहते हैं और पाथेट लाओ भी कहते हैं, क्योंकि उनको वो ज़्यादा सही लगता है, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। काफ़ी हद तक इंडिया जो एक वर्ड है जो काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स ने हमको दिया, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। जरे इंडिया में काफ़ी बार आज भी लोग मानते हैं कि इस कंट्री को भारत बोलना चाहिए, या यू नो काफ़ी सारी इसमें अलग ओपिनियन है, तो सिमिलर केस हमको यहाँ पे लाओस में भी देखने को मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का टाइमलाइन। यहाँ पे इस कंट्री के बारे में बहुत कुछ जानोगे आप, क्या कुछ हुआ इस कंट्री के साथ ओवर द ईयर्स, बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंट्री मैं कहूँगा लाओस को। 1893 में लाओस एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट बन गया, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसको कोई और बड़ी स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है, इसको आप कॉलोनी भी कह सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए फ्रेंच लोग यहाँ पे राज करते थे, और जो आज के टाइम में लाओस की कैपिटल है वहाँ पे आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर हर जगह दिखेगा, मगर फ्रेंच लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कुछ किया नहीं। फ्रांस का कंट्रीब्यूशन लाओस में आपको बहुत नील मिलेगा, ना एजुकेशन के हिसाब से, ना इंफ्रा के हिसाब से, ना कोई रेलवे इन्होंने बनाई यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक इन्होंने इसको अवॉइड किया इस एरिया को डेवलप करना। तो ये एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट था अनटिल 1945 के दौरान। आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू अपनी पीक पर थी, और कुछ महीनों के लिए, कुछ एक छोटे से टाइम के लिए जापानीज़ आर्मी ने लाओस को इन्वेड कर दिया था, और ये एक जापानीज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी बन गई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स जब जापान ने सरेंडर किया तो लाओस वापस फ्रांस के हाथों चला गया। उसके बाद 1950 में, अब देखो 1946 में जब फ्रांस ने रीगेन किया लाओस को, तब से यहाँ पे इंडिपेंडेंस की मांग उठ रही थी, क्योंकि आसपास के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे, वहाँ पे भी आज़ादी की एक मुहिम चल रही थी, इंडिया आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट आया और लोगों ने कहा कि उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। और 1950 में लाओस को आज़ादी तो नहीं मिली, मगर उनको सेमी ऑटोनॉमी मिली। ऑटोनॉमस रीजन होता है कि वहाँ पे वो कंट्री वैसे किसी बड़ी कंट्री के अंडर रहेगा, मगर काफ़ी हद तक वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज करते हैं। सेमी ऑटोनॉमी होती है उसमें और ज़रा कम पावर दे दी जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रांस ने इस एरिया पे अपना कब्ज़ा बना के रखा, मगर जो लोकल लोग हैं, लोकल लीडर्स थे वहाँ पे, उनको ज़्यादा पावर दे दी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। मगर तब भी 1950 तक लाओस फ्रेंच यूनियन का एक हिस्सा रहा। मगर लाओस में बहुत सारे लोग इस सेमी ऑटोनॉमी से खुश नहीं थे, और वहाँ पे तब भी इंडिपेंडेंस की मुहिम आगे बढ़ती रही। 1954 में लाओस को फुल इंडिपेंडेंस मिल गई एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मगर यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप थे जिनको यहाँ पे जो मोनार्की थी वो पसंद नहीं आ रही थी, वो यहाँ पे चाहते थे कि कम्युनिस्ट रूल हो
और एक सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट बने, और इसीलिए यहाँ पे एक सिविल वॉर हो जाती है जहाँ पे आधे लाओस के लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे, वो ज़्यादातर जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे रहते थे, जो नॉर्दर्न पार्ट के लोग थे वो कम्युनिस्ट ग्रुप था एक पाथेट लाओ, उसको वो सपोर्ट करते थे, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बहुत खून खराबा हुआ, कई लोग मारे गए। फिर इस अनफॉर्चुनेट देश का जो नसीब था वो अभी और बदतर होना था, क्योंकि 1960s में लाओस पर एक्सटेंसिव एरियल बॉम्बार्डमेंट करी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, क्योंकि वो जो नॉर्थ वियतनामी सेंचुरीज थी लाओस में उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब समझा रहा हूँ आपको, आपको पता है कि यूएसए ने बहुत ही लंबे समय तक वियतनाम में एक जंग लड़ी, वो काफ़ी हद तक एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी थी, वहाँ पे यूएसएसआर वियतनाम में जो कम्युनिस्ट रिबेलियंस थे उनको सपोर्ट कर रहा था, और यूएसए वहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहता था, और एक बहुत ही बड़ा एक फेलियर आप कह सकते हो वियतनाम वॉर थी यूएसए की मिलिट्री हिस्ट्री में। तो वियतनाम वॉर के दौरान बहुत सारे वियतनाम के जो रिबेल्स थे जो यूएस फोर्सेस से लड़ रहे थे वो लाओस में जाके छुप जाते थे, नॉर्दर्न लाओस में, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनकी सप्लाईज काटने के लिए, देखो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वियतनाम को काफ़ी हद तक जो सप्लाईज मिल रही थी, वियतनाम के जो रिबेल्स थे उनको जो सप्लाईज मिल रही थी वो लाओस में जो वियतनामीज लोग रह रहे थे उनसे मिल रही थी, तो यूएसए ने डायरेक्टली लाओस पर बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं करी, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं, यूएसए ने वॉर डिक्लेयर नहीं करी लाओस पर, मगर तब भी जो नॉर्दर्न पार्ट था लाओस का उस पर हैवी बॉम्बार्डमेंट करी, और ये कहा जाता है कि जितने बॉम्ब्स पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नहीं गिराए गए उतने अकेले लाओस पे गिराए गए थे, इसलिए लाओस को आज हम कहते हैं द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री ऑन अर्थ। अफगानिस्तान में भी इतने बॉम्ब्स नहीं गिराए गए, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बॉम्ब्स की वर्षा हो रही थी। अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो एक बहुत ही वल्गर डिस्प्ले ऑफ पावर था यूएसए के द्वारा, जहाँ पे एक छोटी कंट्री में उन्होंने अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए कई सिविलियंस मार दिए और कई जो ब्यूटीफुल टेरेन थी इस पूरे देश की उसको भी बर्बाद कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इससे आप देख सकते हो कि पूरे लाओस में किस तरीके से बॉम्ब गिराए गए थे, ज़्यादातर बॉम्ब ऑफकोर्स नॉर्दर्न लाओस में गिराए गए थे, मगर बाद में जो सदर्न पार्ट था वो भी बचा नहीं। ये 1964 से 1973 तक, ये नंबर ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा है, 270 मिलियन बॉम्ब्स गिराए गए इस छोटे से देश पर। इंटरेस्टिंग बात मैं फिर रिपीट करूँगा ये है कि यूएस और लाओस ने तब भी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर नहीं करी ऑफिशियली, और ये जो बॉम्ब्स गिराने का ऑपरेशन था ये यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA वो इसको पूरा मॉनिटर कर रही थी, और यूएसए में जो लोग थे जो वहाँ पे मीडिया था उनको भी पता नहीं था कि उनका देश एक छोटे से देश पर इतने बड़े स्केल पर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। ये आज भी हम कहते हैं इसको लाओस में सीक्रेट वॉर जो हुई थी यूएसए की, और अब इसके बारे में काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, एक बहुत ही फेमस किताब भी है इस पूरे इंसिडेंट पर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज़ हैं लाओस की, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉम्ब्स थे वो काफ़ी हद तक अब एक कल्चर का पार्ट ही बन गया है लाओस में, विलेजेस में और काफ़ी और जगहों में आप ऐसे दृश्य देखोगे जहाँ पे पुराने खोखले बॉम्ब्स जो अब डेंजरस नहीं है, लोगों ने उनको काट के ऐसे उनकी बोर्ड्स बना दिए, क्योंकि लोहा तो काफ़ी हाई क्वालिटी का था, ये अमेरिकन लोहा है, और उसकी लोगों ने बोर्ड्स बना दी, और काफ़ी बार जो स्क्रैप की दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे, बड़े बड़े बॉम्ब्स यहाँ पे बिक रहे हैं, और लोगों ने काफ़ी बार एज मोमेंटो इसको अपने घर में भी रखा होता है कि उस दौर की याद दिलाने के लिए, और यू नो ऐसे लोगों ने अपने गेट पर भी ऐसे बॉम्ब्स लगा रखे होंगे। तो ये कह सकते हो आप कि इस अनफॉर्चुनेट देश ने इतनी बर्बादी देखी कि इन्होंने उस बर्बादी को एक्सेप्ट ही कर लिया, और आज के टाइम में अपने घरों में अपनी लाइफ में अपने एवरीडे यूज़ में उन बॉम्ब्स को यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया। अगर इस टॉपिक के बारे में थोड़ी आपकी रुचि बनी हो, इसके बारे में और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं, शूटिंग एट द मून बाय रॉजर वॉर्नर। शूटिंग एट द मून इसलिए क्योंकि लाओस के झंडे में मून बना हुआ है, और इसमें पूरी कहानी बताइए किस तरीके से बॉम्बिंग हुई लाओस की, और ये इतने टाइम तक सीक्रेट कैसे रही ये बात। खैर वापस हम लोग टाइमलाइन पे आते हैं। अब देखो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 1970s में, जब वो बॉम्बिंग ख़त्म हो जाती है, 1972 के आसपास बॉम्बिंग ख़त्म हो गई थी। इंडिया भी बिजी था उस टाइम, इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था बहुत ही बड़ी, तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो जंग थी वो भी ख़त्म हो जाती है, वियतनाम में भी यूएसए की बहुत बड़ी लॉस होती है, और लाओस से भी यूएसए पीछे हट जाता है, और जैसे ही यूएसए पीछे हटता है यहाँ पे कंप्लीट कम्युनिस्ट टेक ओवर हो जाता है। तो 1975 में जो एक ग्रुप था पाथेट लाओ,
जो वहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी उसके खिलाफ उन्होंने सिविल वॉर लड़ी थी, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया लाओ पीपल्स फ्रंट, और इन्होंने पावर सीज कर ली, और उस वक्त के जो राजा थे उनको एबडिकेट करना पड़ा, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी प्रेशर में, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई और पूरे देश पर कम्युनिस्ट टेक ओवर हो चुका था और एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई पूरे देश की। इसमें क्या किया गया कि प्राइवेट कंपनीज़ थी उनको डिस्करेज किया गया, सारी जो संपत्ति थी सरकार ने अपने पास रख ली, प्रोडक्शन कैसी होगी उस पर सरकार ध्यान देगी, तो ओवरऑल यहाँ पर एक सोशलिस्ट जो आइडिया था सरकार चलाने का उसको यहाँ पर लागू करना स्टार्ट कर दिया, मगर बहुत ही ख़राब तरीके से किया था क्योंकि लाओस के पास रिसोर्सेज इनिशियली बहुत ज़्यादा कम थे। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो कंट्री सोशलिज्म की तरफ बढ़ती हैं वो पहले कैपिटलिज्म के जरिए काफ़ी अमीर हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनिशियली काफ़ी उन्होंने ट्रेड किया, काफ़ी बिजनेस किया, आज भी ट्रेड करते हैं, उसके बाद उन्होंने सोशलिस्ट जो एक आइडियोलॉजी है उसको अपनाया और वेलफेयर स्कीम की तरफ काम करना स्टार्ट कर दिया। मगर लाओस में इन्होंने जो पहला पार्ट था अमीर बनने का, ये इन्होंने स्किप करने का सोचा और सीधा सोचा कि हम वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं वो लागू कर देंगे और एक सोशलिस्ट हेवन बनाने की कोशिश करेंगे, मगर ये हेवन बहुत ही जल्दी हेल बन गई। जो कम्युनिस्ट टेक ओवर था वहाँ पे लाओस में एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ। 1979 में पूरे देश में फूड शॉर्टेज मच गई, भुखमरी थी। अच्छी बात यही कह सकता हूँ कि अमेरिकन बॉम्ब आसमान से गिर नहीं रहे थे, वही एक अच्छी बात थी। बाकी लोगों के पास खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, लोग थाईलैंड भाग रहे थे, बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे लाओस से वो थाईलैंड में चले गए, और उसी वजह से सरकार को जो अपनी अप्रोच थी उसको बदलना भी पड़ा। ये बदलाव सबसे पहले आया 1986 में, उस दौरान USSR ने भी काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमिक नीति बदलनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है अकेले उससे आप तरक्की नहीं कर सकते। तो जो गॉर्बाचोव उस वक्त सोवियत संघ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए सोवियत संघ में, काफ़ी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाए, और उसी से ही इंस्पायर होकर 1989 में जो पहली बार जब इलेक्शन हुआ यहाँ पर लाओस में सिंस 1975, सारे कैंडिडेट्स ने ये फोकस किया कि वो रिफॉर्म्स पर काम करेंगे और जो कम्युनिस्ट, हालांकि जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट ही रहेगी और उन्होंने ही वहाँ पर सत्ता अपनी बना के रखी, मगर यहाँ पर ये कोशिश करी गई कि जो रिफॉर्म्स होंगे वो मार्केट ओरिएंटेड होंगे। सिमिलर केस, हालांकि इंडिया डेमोक्रेसी थी, एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं था, मगर सिमिलर केस हमको इंडिया में भी देखने को मिला जब 1992 के आसपास हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में भी ये बात अब लोगों ने समझ ली थी कि जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है, उनको कुछ हद तक एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ना होगा। आज भी जो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो लाओस का ऑफिशियल नाम है, वहाँ पे सिर्फ एक ही लीगल पॉलिटिकल पार्टी है, लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये गिने चुने देशों में से है लाओस आज भी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ कम्युनिज्म का ये प्रचार करते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्शन की मैं बात कर रहा था पहले, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही लंबा अरसा लाओस ने मिजरी में बिता रखा था, आप देख सकते हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद दिस अनफॉर्चुनेट कंट्री को कुछ अच्छे दिन देखने को मिले, मैं कह सकता हूँ रिलेटिवली अच्छे दिन। 1994 में इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो इकोनॉमिक नीति थी विद इन द कम्युनिस्ट रेल्म उसको थोड़ा चेंज कर लिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन्स थे उसको सुधारने में भी काम किया। इसमें एक जो शाइनिंग एग्जांपल था वो था फ्रेंडशिप ब्रिज विद थाईलैंड। थाईलैंड के साथ लाओस के रिलेशन्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर 1994 में दोनों कंट्रीज़ ने एक ब्रिज बनाया, बहुत ही लंबा ब्रिज है ये, मीकोंग नदी के ऊपर बना रखा है ब्रिज, और ट्रेड को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलता है दोनों कंट्रीज़ के इस ब्रिज की वजह से। याद रखिएगा, फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन थाईलैंड और लाओस, ये मीकोंग नदी के ऊपर बसा हुआ है। फिर अगले ही साल USA ने यहाँ पर 20 ईयर का एड एम्बार्गो जो था वो लिफ्ट कर लिया। USA ने यहाँ पर एक एम्बार्गो लगा दिया था लाओस पे कि लाओस को USA की कोई भी एड नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा USA से, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे वियतनाम के जो रिबेल्स थे उनको हार्बर किया कराया जा रहा है। तो ये भी लिफ्ट हो गया 1995 में, और फिर उसके बाद 1997 में लाओस एक मेंबर बन गया आसियान का। आसियान आपको पता है एक प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ ग्रुप है आज के टाइम में। रिसेंटली हमारा जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसमें 10 आसियान कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो भी एज गेस्ट आए, और इंडिया आसियान ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी आगे
बढ़ रहे हैं और इंडिया भी चाहता है आसियान कंट्रीज के साथ और ज़्यादा एंगेज करना, तो ये लाओस के लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि इस ग्रुप का वो मेंबर बन गया। उसके बाद फरवरी 2005 में यूएसए ने नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए लाओस के साथ, और बहुत ही लंबा एक जो पीरियड था प्यूनिटिव इम्पोर्ट टैक्सेस का जो यूएसए ने इम्पोज करा था लाओस पर, वो भी ख़त्म हो गया और इससे भी ऑफकोर्स लाओस की इकोनॉमी को हेल्प मिली। फिर 2005 अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव कर लिए नाम थेनुन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम प्रोजेक्ट के लिए। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डैम प्रोजेक्ट था लाओस में और इसकी फंडिंग इनको चाहिए थी, और सिंस यूएसए के साथ लाओस के रिलेशंस अच्छे हुए तो वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर इनका जो एक लोन था वो अप्रूव कर दिया। हालांकि इस डैम को लेकर लाओस में ही काफ़ी प्रोटेस्ट हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफ़ी एनवायरमेंटल और इसका सोशल इम्पैक्ट होगा, मगर तब भी इस डैम पर वो काम कर रहे हैं। फिर 2016 सितंबर में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक हिस्टोरिक विजिट करी यहाँ पर। वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बने, सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, जो लाओस में गए। इन्होंने उन बॉम्बिंग्स के बारे में बात की कि लाओस में यूएस ने बॉम्ब्स गिराए, और उस पर एक अपोलोजेटिक इन्होंने टोन रखी, अपोलोजाइज ओवरली किया तो नहीं, मगर ये कहा कि जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। और बेसिकली यूएस यहाँ पे लाओस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था क्योंकि जैसे चाइना राइज कर रहा है, यूएस को ज़रूरत है आसियान कंट्रीज़ की के वो यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन रखें। और यूएसए ने $90 मिलियन कमिट किए लाओस के लिए हर साल। ये ट्रेड या वहाँ के लोगों के लिए नहीं है, ये $90 मिलियन हैं कुछ बचे हुए बॉम्ब्स को हटाने के लिए। आज भी लाओस के कई इलाके हैं, कई बहुत ही बड़ा वहाँ पे कोई एरिया है, वहाँ पे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आज भी वहाँ पे पुराने बॉम्ब्स वहाँ पे हैं और वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो काफ़ी बार एक्सीडेंट्स भी आते हैं कि ऐसी जगह में लोग चले जाते हैं, वहाँ पे अचानक से भी पुराना बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है और कई लोग मर जाते हैं। तो इन बॉम्ब्स को निकालना काफ़ी आवश्यक है, और यूएसए ने कहा है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो $90 मिलियन हर साल लाओस की सरकार को देंगे उन पुराने बॉम्ब्स को निकालने के लिए। अब लाओस की जो ज्योग्राफी है थोड़ी वो डिस्कस करते हैं। लाओस बहुत ही माउंटेनियस कंट्री है, एस्पेशली उनका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो काफ़ी माउंटेनियस है और डेंस फॉरेस्ट हैं, काफ़ी घने जंगल आपको मिलेंगे। आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो सदर्न पार्ट है वो ज़्यादा अर्बनाइज हो चुका है। और फिर ऑफकोर्स हमको मीकोंग नदी के बारे में बात करनी ही होगी, जो पूरी जो कंट्री है उसको लाइफ देती है, जो उनकी जो फ्लैग है लाओस का वहाँ पर भी दिखती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फौ बिया के बारे में। फौ बिया हाईएस्ट माउंटेन है लाओस का और ये लोकेटेड है अनामीस कॉर्डिलेरा में। अब देखो ये है फौ बिया और यहाँ पर आप देखोगे जो लाल लाल पार्ट है ना, ये जो माउंटेनियस पार्ट है लाओस का सारा ये है। आप देखोगे जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो थोड़ा ईस्टर्न पार्ट है यही ज़्यादातर जो माउंटेनियस है, और उसके बाद जो सदर्न पार्ट है ज़्यादातर वहाँ पे आपको ये जो फॉरेस्ट है वो मिलेंगे। ठीक है, अब ये इसकी एक फ़ोटो भी है यहाँ पर, और काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट भी होता है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता रहा हूँ कि एज़ टूरिस्ट आप अगर फौ बिया में जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते क्योंकि फौ बिया में काफ़ी सारा जो एरिया है वो डेंजरस है, वहाँ पे पुराने बॉम्ब्स अभी भी पड़े हुए हैं। इसलिए ये माउंटेन काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सारे क्लाइंबर्स यहाँ पे इसको क्लाइंब करना भी चाहते हैं मगर उनको अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल द ओल्ड बॉम्ब्स। फिर बात करते हैं मीकोंग रिवर के बारे में, बहुत ही फेमस रिवर है ये। एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहती है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं खैर कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो बहती ही है, और दुनिया की 12वीं सबसे लंबी रिवर है ये और एशिया की 7वीं सबसे लंबी रिवर है। अगर हम दुनिया की सबसे लंबी रिवर की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी आंसर है नाइल रिवर, ये 6ठी क्लास के बच्चों को भी पता होगा ये। और जो एशिया में सबसे लंबी रिवर है वो यांगतिज रिवर है, ये चाइना में सबसे लंबी रिवर है और ऑफकोर्स पूरे एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है, और दुनिया की ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है यांगतिज रिवर, ठीक है, इन चाइना। मीकोंग नदी किन कंट्रीज से बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना से शुरू होती है, फिर म्यांमार में जाती है, फिर लाओस में आती है, थाईलैंड में भी ये टच करती है, फिर कंबोडिया, वियतनाम, इस सब कंट्रीज़ को मीकोंग नदी पानी देती है। प्रॉब्लम यहाँ पर लाओस के लिए ये है कि चाइना बहुत ही तेज़ी से डैम्स बना रहा है ये इस मीकोंग नदी पर, और उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में लाओस में पानी की कमी हो जाए क्योंकि मीकोंग नदी का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है, और इसी वजह से साउथ चाइना सी के इशू में भी लाओस धीरे धीरे चाइना के जो अगेंस्ट एक स्टांस है वो ले रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया उनका समर्थन करता हुआ दिख रहा है क्योंकि मीकोंग नदी को लेकर काफ़ी उनको फिक्र है और वो चाहते नहीं है कि मीकोंग नदी का जो पानी है वो कम हो।
देखो मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो नदी जा रही है ये है मीकोंग नदी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चाइना से शुरू होती है यहाँ से, और फिर पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया की जहाँ पे जो पेनिनसुलर कंट्रीज़ हैं इनको ये पानी देती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि चाइना यहाँ पे इस एरिया में लगातार कम से कम 3-4 डैम्स बना चुका है, और जहाँ तक देखा जा रहा है चाइना की यहाँ पर मंशा ये है, उनकी इंटेंशन ये है कि इस नदी का पानी डाइवर्ट करके चाइना की और जो यहाँ पे प्रोविंसेस है जहाँ पे पानी की कमी हो रही है उसको वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। और ऑब्वियसली बात है जब फ्लो यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो आगे जाके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट्स हैं या फिर लोगों के लिए जो पानी चाहिए, कई ट्रिब्यूटरीज हैं आगे जाके साउथ ईस्ट एशिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे वो कम हो जाएंगी और लोगों को यहाँ पे पानी कम मिलेगा। तो मीकोंग नदी एक काफ़ी एक प्रॉब्लम का इशू है, और लाओस के लिए तो ऑफकोर्स एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पूरे देश की लाइफ इस नदी पर डिपेंड करती है। अगर हम लाओस के लोगों की बात करें तो यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की वो एग्रीकल्चर है। आज भी ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो मीकोंग नदी है उससे जो फर्टाइल ज़मीन बनती है उससे ही लोग अपना पैसा कमाते हैं। और ये है मिता पाब ब्रिज, ये आप पहचान गए, ये वही फ्रेंडशिप ब्रिज है जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, जिसको 1991 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1994 में बनकर तैयार हो गया था। ये लाओस को कनेक्ट करता है थाईलैंड से, और एक बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो इकोनॉमिकली एक बड़ा एसेट है उस पूरे देश के लिए, क्योंकि लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उनको पानी के पास उनका कोई एक्सेस है नहीं, अपना कोई पोर्ट नहीं है ना कोई हार्बर है, तो वो थाईलैंड पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स के लिए। तो ये जो ब्रिज है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। फिर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, वाट फाउ हिंदू टेम्पल। वाट पाउ को कभी कभी वाट फू भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक खमेर हिंदू टेम्पल है साउथ लाओस में, ये माउंट फू खाओ में लोकेटेड है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा की पूजा होती थी, एक शिवलिंग भी अंदर पाया गया है, और एक बहुत ही फिल्मी तरीके से यहाँ पर एक पूरा सेटअप है। एक झरना है और वो झरना नीचे शिवलिंग पर पानी देता है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये अपने आप में। और यहाँ पे इंडिया और लाओस की सरकार ने एक MOU भी साइन किया है जहाँ पे इंडिया हेल्प करेगा लाओस की इस पूरे एरिया को रिस्टोर करने में, यहाँ पर जो भी ब्यूटिफिकेशन का काम है वो भी किया जाएगा, और इंडिया जो एक कल्चरल टाइज है लाओस के साथ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर मानता है इस टेम्पल को। उसके अलावा लाओस में रामायण का एक पूरा प्ले होता है, और आज भी वहाँ पे जो उसकी जो रूट्स हैं हिंदुइज़्म की वो वहाँ पे काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो एक जो कल्चरल टाइज है इंडिया और लाओस के बीच में वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है लाओ किप, ये 1952 से इनकी करेंसी है, और काफ़ी ख़राब वैल्यू है ऐसी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एक तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऊपर से सोशलिस्ट जो पॉलिसीज़ अपनाई थी उससे अभी तक इन्होंने छुटकारा पाया नहीं है। थोड़ी बहुत अभी मार्केट अपनी ओपन करी है, और अभी इसलिए इसी वजह से जो यहाँ पे करेंसी है बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर आपके पास 10 इंडियन रुपये हैं तो इसका मतलब आपके पास करीब 1300 लाओटियन किप हैं, ठीक है, लाओटियन मतलब लाओ के किप हैं, ठीक है। तो बहुत ही इनकी ख़राब करेंसी है, काफ़ी कम वैल्यू है उसकी। अगर हम इंडिया और लाओस के रिलेशंस के बात करें तो इंडिया लाओस को काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंट्री मानता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चाइना वहाँ पे अपनी डोमिनेंस बना रहा है, उसमें आसियान कंट्रीज़ का जो वॉइस है, उनकी जो उनका जो ओपिनियन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाओस को डेफिनेटली इंडिया एक स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री मानता है, और लाओस भी रेसिप्रोकेट करता है इंडिया की अफेक्शन। लाओस बढ़ चढ़ के इंडिया का सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, काउंसिल की सीट के लिए। और ये 2013 में जो एक इंडो लाओस ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने कहा था कि वो 66 मिलियन तक के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है लाओस में उसको फंड करेगा। इसमें बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी इंडिया फंडिंग देगा लाओस को। उसके अलावा जो मैंने जो आपको बता दिया, एक MOU साइन तो कर ही चुके हैं उस मंदिर के लिए, वाट फाउ मंदिर के लिए, ये 2007 में साइन किया गया था। उसके अलावा ये इंडियन आर्मी भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग देती है लाओस की आर्मी को, और ओवरऑल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड काफ़ी कम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली सिंस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है लाओस, और पूरा थाईलैंड पर डिपेंड करते हैं अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो हर कंट्री के साथ इनका जो ट्रेड है वो आपको कम ही मिलेगा। और इंडिया के पास ज़्यादा कुछ यहाँ से इम्पोर्ट करने के लिए है भी नहीं, कोई यहाँ से नहीं है कि यहाँ पे आपको तेल मिलेगा या मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से ट्रेड अभी भी काफ़ी कम है। ट्रेड पे हमको फोकस करना चाहिए, करीब 1 बिलियन तक का ट्रेड तो होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और अभी इंडिया की कोशिश ये रहनी चाहिए कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की इंडिया कोशिश कर रहा है
उसकी एक्सटेंशन करके उसमें लाओस को भी इंक्लूड कर लिया जाए और कंबोडिया को भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि अगर इंडिया ये कर लेता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया को वियतनाम तक की भी रीच मिल जाएगी, ठीक है। तो लाओस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से भी और ये जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी के हिसाब से भी। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और कंट्री को चाहते हैं कि हम लोग कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इवेंचुअली वैसे करनी तो हमको सारी ही है, मगर आप अगर किसी कंट्री को ज़्यादा बार लिखते हैं तो हम उसको पहले कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग हार्ड।